सबसे पहले एनडीए गर्ल्स के लिए ओपन किया गया तो नाना जी का मेरे पास फोन आया कि एनडीए में अंदर अब गर्ल्स की एंट्री अलाउ कर दी गई है जब सपना हो तो खबर कोई छपती है तो लगता है ये खबर मेरे पे ही छपी है तुम्हें तो एक ही सीट चाहिए चाहे दस वैकेंसी हो चाहे बीस वैकेंसी हो आपके देश में क्या हो रहा है अगर आपको यही नहीं पता है तो आप क्या कर पाए हर लड़की से कोई ना कोई पूछ ही लेता है कि तुम तो लड़की हो क्या करोगी फोर्स में जाके गर्ल्स के लिए डिफेंस फोर्सेज के क्या क्या चैलेंजेस मानते हैं नमस्कार एनडीए एसएसबी रिकमेंडेड कैडेट्स की सक्सेस स्टोरीज का सिलसिला जारी है चलता जा रहा है चलता जा रहा है रुकने थमने का नाम ही नहीं ले रहा क्योंकि प्रिंस एंडिया एकेडमी ने बना दिया है नया रिकॉर्ड और एक ही साल में तीस प्लस थर्टी प्लस एसएसबी कैडेट्स का रिकॉर्ड ही नहीं महा रिकॉर्ड और उसी के तहत हमारे साथ है चैंपियन प्रतिभा बुडानिया जो ही एस एनडीए के लिए गर्ल्स की एलिजिबिलिटी की खबर मिली तो ये प्रतिभा के पास नाना जी का फोन आया कि बेटा एनडीए में भी अब लड़कियों के लिए वैकेंसी आ चुकी है तो प्रतिभा ने सोचा कि ये खबर शायद मेरे लिए छपी है मैं बताना चाहूंगा कि मूलतः प्रतिभा झुंझुनू जिले की बिसाऊ के पास गेता का बास से है और मम्मी और पापा दोनों ही सर्विस में चूरू में है इसलिए वर्तमान में चूरू वासी हो चुके हैं प्रतिभा के पापा जगपाल सिंह जी टीचर हैं कड़वासर चूरू में और मम्मी जी सुमन बाला गवर्नमेंट हॉस्पिटल चूरू में जी एन एम है और छोटा भाई और बहन भी हैं न्यूक्लियर फैमिली ऑफ फाइव मेंबर्स और आज के दिन प्रतिभा एस एस बी में रिकमेंड हो चुकी है और भविष्य में भारतीय डिफेंस फोर्सेज में ऑफिसर बनने वाली है तो प्रतिभा आपको और इस वीडियो के माध्यम से आपको आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइया थैंक यू सर तो शुरुआत करेंगे आपकी एनडीए में गर्ल्स की बढ़ती की की खबर शुरुआत से ही। तो बताएं कैसे खबर मिली और क्या फील हुआ उस समय तो जब सबसे पहले एनडीए गर्ल्स के लिए ओपन किया गया तो नाना जी का मेरे पास फोन आया कि एनडीए में अंदर अब गर्ल्स की एंट्री अलाउ कर दी गई है तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ समथिंग अब हो गया है कुछ जो मेरे लिए ही है और घर वाले भी बहुत ज्यादा खुश थे कि हाँ ठीक है चलो लड़की का इंटरेस्ट है फिर उसके बाद जब पता चल गया अब है, then after, just after completing with, मैंने एनडीए की रिटर्न की तैयारी शुरू की प्रिंस से ही एक साल मैं हॉस्टल में रही फिर तीन अटेम्प दे दी उसके बाद तो बस यही है कि अब करना है तो एनडीए ही करना है बहुत बढ़िया है देखो जब सपना हो तो खबर कोई छपती है तो लगता है ये खबर मेरे पे ही छपी है उसके साथ ही प्रतिभा ने एनडी ऑफिसर बनने का सोचा और फाइनली सपना आपका पूरा होने जा रहा है तो प्रतिभा बताएं कि एन में पहले गर्ल्स को मौका नहीं था आज के दिन आपकी साथ ही रही भाविका जो एनडीए एस एस में गर्ल्स में ऑल इंडिया टॉपर रह चुकी है ऑल इंडिया टेंथ पे रह चुकी है तो अब तो ये चीज आपके लिए कॉमन सी होगी कि सक्सेस ली जा सकती है जब एनडीए में गर्ल्स को शामिल नहीं किया गया था तो भी क्या कभी आप डिफेंस ऑफिसर बनने की सोचते थे हाँ सर शुरू में ऐसे था कि हाँ ये एक अलग प्रोफेशन है लाइफ में अगर कुछ कर रहा है तो कुछ अलग ही करें फिर नॉर्मल जॉब जॉब तो सब करते बट दिस इज समथिंग मच मोर देन अ एनडीए वगैरह हो गया शुरू अब जैसे आपने भाविका का बोला तो साथ में बैचमेट भी रही एंड देन आई थॉट कि अब ये भी ऑल इंडिया रैंक टेन और गर्ल्स की टॉपर आ सकती है तो मैं भी क्यों नहीं जा सकती जी उससे भी प्रेरणा मिलती है बहुत अच्छी बात है तो आप अपन चलते हैं इस वीडियो को अपन ज्यादा गर्ल्स एनडीए डिफेंस ऑफिसर से ही ओरिएंटेड रखना चाहेंगी क्योंकि आज के दिन बहुत सारी बच्चियां डिफेंस ऑफिसर एनडीए के माध्यम से बनना चाहती हैं तो बताएं प्रतिभा सबसे पहले जो गर्ल्स एनडीए ऑफिसर बनना चाहती हैं उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी उनको कब से इस चीज के लिए स्पेशल तैयारी शुरू करनी चाहिए और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए सर मैं तो यही कहूँगी कि अगर किसी लड़की को डिफेंस फोर्सेस में जाना है तो शुरू से ही आप शुरू कर लो क्योंकि इलेवन टवेल्थ अगर अच्छे से हो गई है देन आपको यू की रिटर्न एग्जाम में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी हर फील्ड के अंदर किसी भी एंट्री में चले जाओ गर्ल्स की सीट्स काफ़ी कम है जिसकी वजह से हमें रिटर्न के अंदर स्कोर अच्छा करना ही पड़ता है तो मेरी इलेवेंथ ट्वेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी जिस वजह से मैं फर्स्ट अटैम्प में नहीं हो पाई फिर लेकिन अगर हम स्टार्टिंग से ही अच्छा अपनी प्रिपरेशन कर लें ताकि हम सबसे पहले ही सीट जो मिलनी है हमें तो एक ही सीट चाहिए चाहे दस वैकेंसी हो चाहे बीस वैकेंसी हो बहुत अच्छी बात प्रतिभा ने कही कि हालांकि आज भी गर्ल्स के लिए एनडीए में सीट कम है पहले उन्नीस सीटें का ऑप्शन खुला था और अब पैंतीस सीटें हो गई जबकि लगभग साढ़े चार सौ से ज्यादा बच्चे जाते हैं और उनमें गर्ल्स के लिए केवल अभी टेन परसेंट से भी कम संख्या है फिर भी अपन मान के चलें कि अपने को तो सीट पैतीस नहीं एक ही एक चाहिए फिर उसके बाद में ये भी कहना चाहूंगी क्योंकि जब हमें जाना ही अगर डिफेंस में है तो शुरू से ही हमें एस की तैयारी के लिए इजिली वी नीड टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन आर फिजिकल फिटनेस हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स लोगों के साथ इंटरेक्ट करना बिकॉज ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि आपको नए नए लोगों से मिलना होगा नई नई जगहों पर जाना होगा तो शुरू से ही हमें कुछ ऐसा ही करना चाहिए जो कि हमें इसके अंदर हेल्पफुल रहे तो प्रतिभा आपने बताया कि नो डाउट जैसे पेरेंट्स के दिमाग में भी ये रहता है कि बच्ची डिफेंस ऑफिसर बनेगी कहाँ रहेगी कौन सी जगह पोस्टिंग होगी क्या लाइफ स्टाइल होगी लेकिन आज के दिन मैं बताना चाहूंगा कि एम बी अब गर्ल्स के लिए ओपन हुआ है जब आफ्टर ग्रेजुएशन बेटियाँ जब डिफेंस फोर्सेज में जाती थी उन्होंने भी सफलता के नए आयाम स्थापित किए अभी प्रतिभा आपने चर्चा की फिजिकल फिटनेस की फिजिकल फिटनेस जब स्कूलिंग में बारहवीं तक थे तब ठीक थी या यहाँ के कोई परिवर्तन हुआ सर ऐसा है कि बचपन से ही फिजिकल फिटनेस ठीक ठीक थी लेकिन जब प्रिंस एंडिया एकेडमी ज्वाइन कर लिया था उसके बाद में क्या हुआ रेगुलर एक प्रोसेस बन गया कि सुबह अगर आपको पीटी में जाना है तो जाना है शाम को गेम्स तो में जाना है तो जाना ही है फिर वो एक कंटिन्यूटी में आ गया कि हाँ, अब रोजाना कुछ ना कुछ कुछ ऐसा करना है जो कि हमें आ, थोड़ा बनाए और फिटनेस के लिए प्रॉफिटेबल हो बहुत बढ़िया तो अब अपन आगे के पॉइंट पे आते हैं एस पे यूपीएससी आप अच्छी तैयारी कर लेते हो तो अपने आप में बड़ा टास्क नहीं होता हालांकि गर्ल्स के लिए स्कोरिंग मैटर करती है अब आते हैं अपन एसएसबी पे एस एस बी में आप हाल ही में रिकमेंड हुए हैं, 152 में yes, तो आप अपने एस एस बी इंटरव्यू के बारे में खास बातें बताएं जो इस वीडियो को देखने वाले एक्सपीरियंट्स और पेरेंट्स के लिए आगे के लिए रणनीति बनाने के लिए सहायक सिद्ध हो इंटरव्यू के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हर इंटरव्यू ऑफिसर का इंटरव्यू लेने का तरीका काफी अलग होता है कोई आपको नॉलेज पे ग्रिल करेगा कोई आपको पर्सनल क्वेश्चंस पे ही इतना उलझा देगा कि आप बता नहीं पाओगे कि आपके साथ हो क्या रहा है तो मतलब पड़ोसी जानना। जानना। yes, को, को जानने लग जाते हैं पूरे गाँव को जानने लग जाते हैं शहर को जानने लग जाते हैं लेकिन खुद को नहीं जान खुद को नहीं जान पाते बहुत अच्छा बताएं आगे बढ़े तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक बार खुद के अंदर झांक के देखें कि आप क्या हो और आप क्या कर रहे हो तो उसी तरीके से अब जब हमें हमारी गलतियों का पता लगने लग जाएगा तो हम ज़रूर कुछ उनको सुधारने के लिए अच्छा करेंगे फिर उसी के तरीके से ऐसा हम इंटरव्यू के अंदर अच्छा कर सकते हैं फिर इस बार इंटरव्यू में यही हुआ मेरे साथ उन्होंने मुझसे मेरी फैमिली के बारे में सब कुछ पूछा फ्रेंड्स के बारे में आप कैसे फ्रेंड सर्कल में रहते हो आप कैसे लोगों के साथ बिहेव करते हो आप कैसे लोगों की मदद करते हो सो ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड इन आस्किंग मी कि मैं क्या हूँ और मैंने क्या क्या किया है ज़िंदगी में और मैं कितना खुद को जानती हूँ कि मैंने कैसे कैसे रहा है और क्या मतलब मैंने कर रखा है तो so, इतना ही पूछा था so, SSB के बारे में कोई विशेष क्वेश्चन जो आपको बार बार रिमाइंड कर रहा हो इस वाली एस एस बी में या पुरानी एस एस बी में इंटरव्यू के अंदर तो मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको एकदम कॉन्फिडेंट रहना है तो आप करंट अफेयर से थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है कि आप जियो वगैरह थोड़ी बहुत पढ़ लें और कुछ टेक्निकल क्वेश्चन वगैरह भी पूछे जाते हैं इंटरव्यू में तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहे बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एन ऑफिसर कि आपके आसपास हो क्या रहा है आपके देश में क्या हो रहा है अगर आपको यही नहीं पता है तो आप क्या कर पाए <coughs> बहुत बढ़िया तो जियो पॉलिटिक्स पे भी बताएं थोड़ा जियो पॉलिटिक्स पे तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब मैं सेकेंड अटेम्प में कॉन्फ्रेंस आउट हो गई तो उसका मेन रीजन यही था क्योंकि मेरा नॉलेज फैक्टर काफी वीक था और

पेरेंट्स की फीलिंग या पड़ोसियों की फीलिंग खबर सुनकर अलग ही रिएक्शन रहती है तो आपको कैसा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस रहा सर वो काफ़ी अच्छा था बिकॉज रिकमेंड होना एक बहुत अच्छी चीज़ है और फैमिली वाले बहुत ज्यादा खुश थे इनफैक्ट जो रिलेटिव्स है या फिर नेबर्स है सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे कि हाँ अब बच्ची ऑफिसर बन जाएगी तो कई आंखों ने कहता बेटा फौज में तो दूर ड्यूटी बॉर्डर पर तुम लड़की है खटेरे सी क्या ड्यूटी कर सी ये भी, भी बड़ा सर क्वेश्चन तो ऐसा है कि हर लड़की से कोई ना तो ऐसा इसमें हाँ, है बहुत अच्छा आपकी सोच पॉजिटिव है और डेफिनेटली जिस सेक्टर में भी महिलाओं का जब पहली बार प्रवेश हुआ है तो इसी तरह के क्वेश्चन मार्क रहे लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट का ही आज परिणाम है की जिस सेक्टर में भी महिलाएं गई हैं वहाँ उस सेक्टर में स्ट्रेंथनिंग मिली है वहाँ अचीवमेंट्स बढ़ी हैं और नो डाउट महिलाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान उन सेवाओं में दिया तो डेफिनेटली एनडीए में भी इसी तरीके से बेहतर योगदान रहेगा तो प्रतिभा बताएं कि आपने प्रिंस एन डी एकेडमी में तैयारी की तो उस तैयारी में किन किन चीज़ों में आपको अपने आप को ग्रूम करने का अवसर मिला और जिन्होंने एसएसबी में आपके सक्सेस में महत्वपूर्ण रोल निभाया सर मुझे ऐसा लगता है कि प्रिंस एंडी एकेडमी का जो एस एस बी कैप्सूल कोर्स था उसके अंदर जो मेरा इंटरव्यू लिया था कोमोड और मंजीत सर ने आई थिंक वो एक ऐसा पॉइंट था मेरी लाइफ का कि मुझे रियलाइज हो गया कि मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है जब मेरा पहले आप मान रहे होगी कि हाँ मैं तो सब कुछ जाता होगा मेरे को हाँ सर यही हुआ था मुझे लगा कि इंटरव्यू तो देना है तीन चार सवाल पूछेंगे बता देंगे कॉन्फिडेंटली बट जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि मैं बोलूँ क्या तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ कॉन्फिडेंस की भी कमी है और कम्युनिकेशन की भी कमी है तो कहाँ का इम्प्रूवमेंट करना है तो उस पॉइंट से मुझे ये रियलाइज हो गया की अब क्या क्या चेंजेस करने की जरूरत है तो एस एस बी में जब आप इंटरव्यूज दिए वो इंटरव्यू प्रिंस वाले इंटरव्यू से कितने रहे कितने ज्यादा टफ रहे सर मुझे ऐसा लगता है कि तीन एस एस बी मैंने दे दी है लेकिन जो कोमोडोर सर ने मेरा इंटरव्यू लिया था वो सबसे ज्यादा खतरनाक था क्योंकि एक तो वो मेरा पहला इंटरव्यू था ऊपर से सर ने इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि मेरे को अगर आ भी रहा है तो मैं बोल नहीं पा रही हूँ उसके बाद जब मेरे एस में इंटरव्यू तो वो काफ़ी इजी हो गया था कि हाँ जब अपने साथ इतना मुश्किल से इंटरव्यू हुआ हुआ है तो अब नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं इजीली मैंने आंसर कर दिए थे क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया था चलो फिर आते हैं प्रिंस से बात और फिर पूछते हैं आप गर्ल्स के लिए डिफेंस फोर्सेस के क्या क्या चैलेंजेस मानते हैं क्योंकि नया अवसर मिला है तो सोशल चैलेंजेस आप क्या मान रहे हैं और डिफेंस सर्विसेज के चैलेंजेस क्या मान रहे हैं सर इस बारे में अगर बात करें तो वैसे काफ़ी टाइम से ही विमेन हैं जो कि डिफेंस फोर्सेस में है ओटीए के थ्रू ग्रेजुएट एंट्रीज जाती है लेकिन अभी एनडीए से अगर हम देखें तो नॉन ग्रेजुएट एंट्री है तो हम जस्ट ट्वेल्थ करते ही एनडीए में चले जाते हैं तो डेफिनेटली काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है हमें अगर हम अपने घर के आसपास से ही देखें तो काफ़ी लोग कह देते हैं कि लड़की को फौज में थोड़ी ना भेज सकते हैं तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है लेकिन अगर हम डिटरमाइंड हैं और हम नहीं ये सोच लिया है कि हम ये कर सकते हैं तो आई थिंक सही है और क्योंकि डिफेंस वाले भी जैसे अगर हम देखें तो अच्छी खासी ऑपरचुनिटीज मिल रही है और दे आर ओपनली वेलकमिंग कि हाँ यू हैव द देन यू आर दिलिटीज बहुत अच्छा पहले से ग्रेजुएट इंट्रीज डिफेंस में हो रही हैं और अब ट्वेल्थ के साथ इंट्रीज होने लगी हैं तो मैं इसको एक बहुत बड़ा अवसर के रूप में देखता हूँ क्योंकि ग्रेजुएट इंट्रीज से जो ऑफिसर्स टॉप लेवल पे पहुँचते हैं उनकी तुलना में एनडीए से जो ऑफिसर्स जाएंगे उनकी टॉप जो डेजिग्नेशन है वो ग्रेजुएशन वालों से भी शायद काफी ऊपर तक होगा उनको भारतीय इंडियन फोर्सेज में टॉप रैंक्स तक पहुंचने का अवसर मिलेगा इसलिए सभी के लिए गर्व का विषय तो लास्ट में प्रिंस एनडीए एकेडमी में हॉस्टल में आपके एक साल का करियर रहा और शायद पहली बार हॉस्टल में आए हाँ सर। तो उसके कुछ स्पेशल में हाँ, बस, यही था बस निकल जाए यहाँ से कैसे भी करके बाईपास भी नजदीक है <laughs> सर। और ऊपर से फोन वगैरह अलाउड नहीं थे तो शुरू में मुश्किल था बिना फोन के रहेंगे कैसे बट फिर एक साल इतना आराम से निकल गया क्योंकि इतने जल्दी इतने अच्छे दोस्त बन गए से सारा पैक रहता था कि आपको सुबह में जाना है, करनी है। फिर इस तरीके से, क्योंकि जब आपको सुबह पीटी में जाना है तो डेफिनेटली आपको रात को जल्दी सोना ही पड़ेगा तो फिर बाद में ऐसा हो गया था कि सोचने का टाइम ही नहीं मिलता था कि क्या करूं क्योंकि हर टाइम कुछ ना कुछ करने को रहता था इंगेज हो गए तो डेफिनेटली डिफेंस का शेड्यूल अगर आप बच्चों को तैयारी के दौरान ही मिल जाता है तो आगे जाकर मुश्किल नहीं होती मैं इस चीज़ की भी गारंटी ले सकता हूँ कि आप एनडीए में जब ट्रेनिंग में रहेंगे तब भी आप फील करेंगे कि इस तरह की हमने ट्रेनिंग इस तरह के फिजिकल वर्क आउट्स इस तरह का डिसिप्लिन एटमोसफियर तो प्रिंस में पहले से ही एक्सपोजर में ले लिया तो पुनः मैं प्रतिभा आपको बधाई देना चाहूंगा और इस वीडियो को जितने भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स देख रहे हैं उन सभी को कहना चाहूंगा कि एनडीए के माध्यम से आज के समय गर्ल्स की जो एंट्री की अपॉर्चुनिटी है वो बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि ग्रेजुएशन करके फीमेल कैडेट्स जिन रैंक्स तक डिफेंस में जा सकते हैं उनसे काफ़ी ऊपर की रैंक पर ट्वेल्थ के साथ ही एनडीए के माध्यम से जाने वाले कैडेट्स को मिलती है एक बार पुनः पूरे बुड़ानिया परिवार को पूरे चूरू को पूरे झुंझुनू को बहुत बहुत बधाइयाँ और सभी फीमेल एक्सपीरियंस को भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएँ